गुड मॉर्निंग क्लास दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें से फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं समुद्र विज्ञान और सोनोग्राफी। और सोनोग्राफी में हम लोग देख रहे हैं जलधारा। जलधारा क्या होता है हम लोग देख लिए। अगर आप अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे देख लीजिए। अब उसमें सीरीज़ पड़ी है, ठीक है, उसमें आप जाएंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज चल रही है, आप दोनों साथ में देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन स्टूडेंट तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही उन तक पहुंचाने का कोशिश करें, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जलधारा। हम लोग समुद्र विज्ञान पढ़ रहे थे जिसमें से हम लोग जलधारा देख लिए थे। और उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि जलधारा के उत्पत्ति के कारण जो था वो ध्यान रखिए, जलधारा के उत्पत्ति के कारण, जलधारा के उत्पत्ति के कारण जो थे, यहाँ कौन कौन से थे यहाँ देखिएगा। जलधारा के उत्पत्ति का जो कारण था वो पहला था पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, पहला जो कारण था पृथ्वी का घूर्णन था। दूसरा जो कारण था तापमान। तीसरा वर्षा। चौथा गुरुत्व। पांचवें बर्फ का पिघलना। छठवें में था वायुदाब। ठीक है, तो धारा के उत्पत्ति के कारण कितने थे? छह कारण थे, जिसमें से हम लोग देख लिए थे कौन सा, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण से जलधारा की उत्पत्ति होती है, पहला हम लोग देख लिए। आज देखेंगे हम लोग तापमान, कि तापमान से कारण से जलधारा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सबसे पहली बात है तापमान क्या होती है। तापमान मतलब होता है कि तापमान किसी वस्तु की यहाँ देखिए क्या होता है, किसी वस्तु की ठंडापन एवं गर्माहट की माप। सिंपल सी भाषा में किसी वस्तु का ठंडापन कितना ठंडा है, कोई वस्तु कितना गर्म है, गर्माहट, उसका जो माप होता है वही होता है तापमान। ठीक है, किसी वस्तु का ठंडा और गर्माहट की माप होता है वो होता है तापमान, समझ गए। अब देखिए यहाँ बढ़ते हैं, जो तापमान है जैसे ये तापमान है यहाँ पर, ठीक है, ये तापमान है। अब देखिए कि दो जगह हैं, दो प्लेस हैं, प्लेस ए और प्लेस बी, यहाँ ए यहाँ, ठीक है। देखिए एक जगह ए है और एक जगह बी है, समझिएगा ध्यान से। एक जगह जो है प्लेस है ए है, एक जगह जो है बी है। और यहाँ पे ताप की बात करें, इसकी जो ताप है वो अधिक है, ये अधिक का सिंबल है, ताप क्या है अधिक है। और बी का जो ताप है कम है, ताप क्या है कम है। अब देखिए क्या होता है, अब ए क्या है समुद्र है, यहाँ पे जल है, क्या है जल है, ये जल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर तापमान अधिक है किसी वस्तु का, किसी चीज का, जल का, अगर तापमान अधिक है तो इसका घनत्व क्या होगा, घनत्व। अगर इसका तापमान अधिक है तो इसका घनत्व कम होगा, क्या होगा घनत्व कम होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा।
अगर वस्तु का ताप अगर अधिक है तो घनत्व क्या होगा? कम होगा। अगर कम होगा तो किसके बात कर रहे हम लोग? जल की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। अगर घनत्व कम होगा तो जल क्या होगा? जल हल्का हो जाएगा। तापमान अधिक, घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर घनत्व क्या होगा तो जल क्या कैसा होगा? हल्का होगा। तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? प्रवृत्ति क्या होगी? ऊपर उठने की, ऊपर उठने की। यहां समझ गए? ताप अधिक, घनत्व कम। अगर घनत्व कम होगा तो जल क्या होगा? हल्का हो जाएगा। और हल्का होगा तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? ऊपर उठने की। ठीक है, अब दूसरे सेंस बात करते हैं। जगह जो बी है उसका तापमान क्या है? कम है। अगर तापमान कम है तो इसका घनत्व क्या होगा? तो इसकी जो घनत्व होगा अधिक होगा। अगर तापमान कम है तो इसकी घनत्व अधिक होगा, तो जल क्या होगा? जल भारी होगा। जल कैसा होगा? भारी होगा। ठीक है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? जल की प्रवृत्ति क्या होगी? नीचे बैठेगा। क्या होगा? नीचे बैठेगा। ठीक है, तापमान कम रहेगा तो घनत्व अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा तो इसका जल कैसा होगा? भारी होगा। और जल भारी होगा तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगा? नीचे बैठने की प्रवृत्ति होगी। अब देखिए, जल एक तरफ से उठ रहा है और जल एक तरफ नीचे बैठ रहा है। यहाँ ध्यान से देखिए, जल एक तरफ बैठ रहा है और जल तरफ एक तरफ उठ रहा है। तो तापमान अधिक है वहाँ पे क्या है? तापमान अधिक है वहाँ पे जल क्या हो रहा है? उठ रहा है। जल क्या हो रहा है? उठ रहा है। यहाँ से जल क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है। और यहाँ देखिए, तापमान कम है तो यहाँ से जल क्या हो रहा है? नीचे हो रहा है। आप लोग पहले क्लास में बताए थे ये क्या? डाउन वेलिंग, अरे अप वेलिंग। समझ गए? अब देखिए इस एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ समझिए, यहाँ समझ गए? तापमान अगर अधिक है तो सिंपल सी बात है, वहाँ का जल का प्रवृत्ति कैसा होगा? ऊपर उठने की। अगर तापमान कम है तो वो जल नीचे बैठेगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका। कौन है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और ये आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और नीचे साउथ अमेरिका है। यहाँ देखिए, ये आपका विषुवत रेखा है। कौन सा है? विषुवत रेखा। 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग को पहले बता चुके हैं कि विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे जो जल होगा, विषुवत रेखा पे जो जल होगा, जो पानी होगा, वो क्या होगा? ताप यहाँ पे अधिक होगा। ताप क्या होगा? अधिक होगा। ताप यहाँ विषुवत रेखा पे अधिक होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के जो किरणें आती हैं डायरेक्ट सीधी आती है विषुवत रेखा पे, और ध्रुव पे ताप कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइट तिरछी जाती है, तो यहाँ पे ताप अधिक होगा। ताप अधिक होने के कारण से यहाँ पे क्या होगा? ताप अगर अधिक होगा तो घनत्व क्या होगा? ताप अधिक तो घनत्व, घनत्व क्या होगा? कम होगा। और घनत्व कम होगा तो क्या होगा? जल हल्का या भारी? क्या होगा? हल्का। जब ये हल्का होगा तो क्या होगा? इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? ऊपर उठने की। ऊपर उठेगा। ठीक है, क्या होगा? ये ऊपर उठेगा। तो यहाँ समझिए, तो यहाँ का जो जल है, यहाँ ताप क्या है? ताप क्या है? अधिक है। और यहाँ पे ताप क्या है? ताप कम है। यहाँ पे भी क्या है? ताप कम है। ठीक है, यहाँ पे ताप अधिक है। तो यहाँ पे जो जल धारा आएगी, धारा इधर से आएगी, इधर जल धारा इधर आएगी। कहाँ से? ज़्यादा यहाँ से उठेगी, इधर आएगी। तो यहाँ पे कौन सा है? एक ब्राज़ील यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्राज़ील की जल धारा।
जलधारा, ठीक है, ये क्या रही है, जलधारा, ठीक है, और इधर से जलधारा जाएगी, ठीक है, तो ये है आपका जलधारा इधर से जाएगी, तो आपका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, तो ये आपका हो गया गल्फ स्ट्रीम। तापमान विषुवत रेखा पे अधिक होती है और ध्रुवों पे कम होती है, तो इसलिए देख रहे हैं आप यहाँ से जलधारा की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तापमान अधिक होने कारण से भी हो रही है, तापमान को अधिक होने कारण से हो रही है जलधारा की उत्पत्ति। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ बात मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्षा, हम लोग को बचा कौन सा, वर्षा, वर्षा ये बाकी रह गया, वर्षा, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बच गया, और नेक्स्ट बच गया बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, और लास्ट बच गया वायुदाब। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।